आज का हमारा विषय है अंतःकरण की समीक्षा। भाई और बहनों, अंतःकरण हमारे भीतर होता है, हर मनुष्य के भीतर अंतःकरण होता है। पंचेंद्रिय जो मनुष्य जाति होता है उसी के अंतःकरण होता है, क्योंकि ये जो मनुष्य जाति है ये परफेक्ट जीवन होता है। इसके अंदर जो है पांचों इंद्रियां सशक्त होती है, मन डेवलप्ड होता है, बुद्धि बहुत काम करने वाली होती है, और चित्त भी पावरफुल होता है, अहंकार भी पावरफुल होता है, और हमारी आत्मा सबको गवर्न करती है, यानी सारी डेवलप्ड फैकल्टीज होती है। इसीलिए अंतःकरण मनुष्य के भीतर ही बनता है। वो अंतःकरण क्या है? हमारे सारे बाह्य जगत को नियंत्रित करने वाला अंतःकरण है, जो कि भीतर रहता है। तो अंतःकरण के हमारे घटक है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये चारों मिलकर के जो कुछ भी हम प्रवृत्ति करते हैं उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। और जब अहंकार सबको गवर्न करता है, सुख कौन भोगता है? अहंकार भोगता है। दुख कौन भोगता है? अहंकार भोगता है। प्रतिष्ठा और तिरस्कार किसका होता है? अहंकार का होता है, क्योंकि ये बेचारा शरीर है, ये तो पिछले जन्म के भुगतान के लिए एक हार्डवेयर टाइप है, एक भुगतान का साधन है। और हमारी आत्मा जिसकी प्रेजेंस से ये सब काम होता, आत्मा नहीं है तो अहंकार भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा आने के बाद में ये जड़ रूपी शरीर है, ये मिश्र चेतन बन जाता है। मिश्र चेतन का मतलब ये चेतनावत कार्य करता है, जो अहंकार भी उसका भाग है, अंतःकरण भी उसका भाग है। वो चेतनावत जो हमारी मुख्य है, जो प्राइम चीज है, वो हमारी आत्मा है, शुद्ध आत्मा भगवान भीतर विराजमान। वो हमारे परम पिता परमेश्वर है, वो हरि है, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। भीतर जो प्रभु बैठा है वह अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है, और अनंत सुख का धाम है। वो मात्र ज्ञाता है, दृष्टा है, और वो केवल जानने वाला, देखने वाला है। वो अशरीरी है, इसलिए अक्रिया भी है। बड़ी विचित्र बात है, वो अक्रिया होते ही पावरफुल है, क्योंकि कौन बुला रहा है? हमारा प्रभु बुला रहा है। खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, जो भी हम एक्टिविटी मन वचन काया की करते हैं वो सारा प्रभु करा रहा है। तो हम अंतःकरण की बात कर रहे थे। अंतःकरण का पहला घटक है मन। देखिए, मन के लिए कहा गया है कि मन टेम्परेरी है, मन जड़ है, मन पौद्गलिक है, और मन नौकर है। मन के पहले मन, मनन के पहले मन नहीं होता, मनन के बाद मन नहीं होता, केवल मनन के समय मन होता है। कि मैं बोल रहा हूं तो मुझे क्यों क्या बोलना है, ये जो ही चिंतन किया तो मन का रोल चालू हो गया। तो मन है वो तीन तरह के काम करता है, वर्तमान काल का चिंतन करता है, और भूतकाल की स्मृति करता है, और भविष्य काल की कल्पना करता है। एक तो मन का ये काम हो गया। दूसरा मन का काम ये है कि जो बाहरी जगत के मेन जो हमारे सिपाही है, मेन जो सोल्जर्स है, मेन जो कर्मेंद्रियां हैं, जो मुख्य काम करने वाली है, वो पांच इंद्रियां स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी अपने अपने विषयों को, 23 तरह के विषय है, वो बाहरी जगत से संपर्क करके वो विषय ला करके आत्मा को दे देती है। तो आत्मा क्या है? पैम्पलेट निकालती है। पेम्पलेट कैसे? मैं आपको उदाहरण दूं कि जब कभी MLA का, MP का, सरपंच का, और स्टूडेंट यूनियन के जब इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन में खड़े होने वाले अपने अपने पेम्पलेट छपवा करके और वो बांटते हैं। तो उसी तरह से मन भी जो है, उनके सामने जो इंद्रियों के विषय आ रहे हैं, उनके सबके पेम्पलेट निकालने का काम करता है। अब उसके बाद मन के बाद में बुद्धि होती है। बुद्धि जो होती है वो निर्णायक रोल करती है, वो जज का काम करती है। बुद्धि दो तरह की होती है, सुबुद्धि और कुबुद्धि। सुबुद्धि होती है तो हमको भटकाती नहीं है,
कुबुद्धि होती है, हमको भटकाती है। और बुद्धि तो वास्तव में तो बुद्धि है, हमको संसार में घुमाती है। हमको जो राग द्वेष पैदा करने वाली ये बुद्धि है, ये अच्छा है ये बुरा है, बुद्धि के दो चश्मे लगे होते हैं, राग का और द्वेष का। ये मुझे प्रिय है, ये मुझे अप्रिय है, मैं इसको लाइक करती हूँ, मैं इसको डिसलाइक करती हूँ, मैं इसको सीने से लगाती हूँ, मैं इसको दूर फेंकती हूँ, यानी मैं किसी पे राग करती हूँ, मैं किसी से द्वेष करती हूँ। तो जो पैम्पलेट मन के सामने आया इंद्रियों से, उस पैम्पलेट को जो बुद्धि के सामने रखा, तो बुद्धि नाचती है, कूदती है, देखती है कि ये पैम्पलेट अच्छा, पांच पैम्पलेट आ गए, तो वो निर्णय नहीं कर पाती ये अच्छा या वो अच्छा है। तो मन बुद्धि, उसके बाद में चित्त, चित्त को कहा जाता है कि ये हमारी चेतना की शक्ति को चित्त कहते हैं। ये हमारी जो चेतना है, शुद्ध आत्मा प्रभु है, भगवान है, ये अनंत चित्तों वाला कहा गया है कि ये एक एक कोशिका को एनर्जी देता है। 60 खरब कोशिकाएं होगी तो 60 खरब चित्तों वाला होता है, और पूरे शरीर के अंदर ये आत्मा व्याप्त है, शरीर के बाहर कोई भी आत्मा नहीं होती। तो एक एक कोशिका को जब वो आत्मा एनर्जी देती है, तो अपने आप में पावर हाउस बन जाता है।